तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज मॉर्फोलॉजी अरेंजमेंट एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम डिटेल्ड एनाटॉमी, हम बैक्टीरियल सेल को स्टडी करेंगे कि बैक्टीरियल सेल किन किन शेप्स में हो सकते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है और बैक्टीरियल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, हम इसमें शेप्स पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सेल वॉल किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या इसके सेल कंपोनेंट्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है, इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट्स क्या है, इसके अलावा एक्सटर्नल कुछ सरफेस लेयर्स भी इसमें प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल्स में। तो ये सब भी हम जो है इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी शेप्स पर। ये वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरियल सेल्स की, बैक्टीरियल सेल की डिफरेंट शेप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन शेप्स जैसे हम कह सकते हैं वो कॉक्साई होंगी और रॉड शेप होंगे। ठीक है, ये लिए आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो आपको जो है या तो कॉक्साई शेप आपने ज्यादा देखी होगी या पढ़ी होगी या फिर बैसिलस। अच्छा जी, कॉक्साई में क्या होता है कि ये बिल्कुल स्फेरिकल राउंड शेप ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, समटाइम्स मतलब सिर्फ एक सेल होगा तो वो आपको इस तरह से राउंड नजर आएगा तो उसे हम कॉक्साई कहेंगे। अगर बहुत सारे होंगे कोकस होगा उसे हम कोकस कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ होंगे तो उसे हम कॉक्साई कहेंगे। इसी तरह से बैसिलस की बात है, जो रॉड शेप अगर एक ही सेल होगा तो उसे हम बैसिलस कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ होंगे तो उसे हम बैसिलाई कहेंगे। फिर आ जाते हैं कोको बैसिलस पे। तो कोको बैसिलस जो होते हैं वो शॉर्ट रॉड्स होती हैं। अब इन दोनों रॉड्स को अगर आप कंपेयर करें तो ये रॉड थोड़ी लॉन्ग है, ये रॉड छोटी सी है। तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बिल्कुल हमें स्फेरिकल कॉक्साइस शेप के नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जितनी अच्छी रेजोल्यूशन पावर होगी माइक्रोस्कोप की तो वो आपको दिखाएगा कि जो ये रॉड ही होंगे। ठीक है, कोको बैसिलस होते हैं रॉड शेप होते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल छोटी सी इनकी रॉड होती है, इसलिए इनको कोको बैसिलस कहा जाता है, क्योंकि अपेयरेंस वाइज वो स्फेरिकल लग रहे होते हैं लेकिन होते हैं वो रॉड ही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं विब्रियो के बाद। तो विब्रियो जो है रॉड ही होती है लेकिन वो थोड़ा सा कर्वी रॉड होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाते हैं स्पाइरलम पे। स्पाइरलम भी रॉड होगी लेकिन ये जो है इनमें कर्व ज्यादा होते हैं तो इसलिए ये स्प्रिंग की तरह के शेप के होते हैं, और इस हमेशा ज्यादातर जो है स्पाइरलम्स के साथ फ्लैजिला अटैच होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्पायरोकीट्स की बात की जाए। तो स्पायरोकीट्स भी लॉन्ग रॉड्स होती है, लंबी अच्छा ये भी साइज में काफी बड़े होते हैं लेकिन अगेन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको भी आप देख नहीं सकते, और इसके अंदर बहुत ज्यादा कर्व्स होते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग शेप होती है इनकी, बिल्कुल स्प्रिंग अपीयरेंस दे रहे होते हैं, इसलिए जो है ये स्पायरोकीट्स पे आ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करी, कुछ बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ जो जिनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, जिनकी कोई शेप नहीं होती वो मतलब शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो जब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो एक खास डेफिनेट शेप नहीं दे सकते होते हैं वो इसलिए जो है शेपलेस लग रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ शेप्स थी इसके, ये तो हमें कुछ हमने वैसे ही कुछ डायग्राम दिखा दी। इसके अलावा एक और मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये बैक्टीरिया, ये सेल्स जो है माइक्रोस्कोप में किस तरह के दिखते हैं। तो ये आपके पास मैंने पीडीएफ शेयर की है। ये सिंगल सेल नहीं दिखाया हुआ, ये माइक्रोस्कोप ही दिखाई हुई है। माइक्रोस्कोप में किस तरह के दिखाते हैं, तो ये कॉक्साई दिखाए हुए हैं जो कि चेन्स में है। ठीक है, तो ये एक सेल नहीं है, ये काफी सारे सेल्स हैं जिन्होंने चेन बनाई हुई है। इसी तरह से ये भी कॉक्साई या स्फेरिकल स्मॉल सेल्स हैं, यहाँ पर भी ये एक सेल नहीं, ये बहुत सारे सेल्स हैं।
यहाँ पर भी आपको बैसिलस नजर आ रहा होगा, ये एक सेल, ये इसका सेल हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो कि चेन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये विब्रियो की बात हो रही थी कि विब्रियो जो है रॉड है लेकिन थोड़ा सा कर्व होता है, तो इस तरह का उसका कर्व होगा। अब ये जो है आपके पास स्पाइरलम हो गया, इसके अंदर कर्व ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें कर्व ज्यादा होते हैं। फिर और ये फर्दर, अच्छा ये सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स नहीं है, ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए हुए हैं, कुछ डिफरेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उनकी शेप्स हो गई। फिर अरेंजमेंट की बात की जाए तो जो बैक्टीरियल सेल होता है, दो तरह की अरेंजमेंट आप देखेंगे, दो तरह की अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कॉक्साई को लेते हैं, तो कॉक्साई अगर एक ही सेल होगा तो वो ऐसा नजर आएगा, एक ही प्लेन में वो डिवाइड हो रहा होगा, तो वो इस तरह से या तो डबल सेल्स नजर आएंगे या तो वो चेन्स में नजर आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले भी एक पिक्चर दिखाई, कुछ सेल्स जो थे वो चेन में थे, कुछ सेल्स जो होंगे वो डिप्लोकोकस। अगर डबल सेल्स होंगे एक ही प्लेन में वो डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सेल्स आपस में एक साथ ही रह जाते हैं, तो वो डबल सेल्स आपको जो नजर आएंगे उनको हम डिप्लोकोकस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक ही प्लेन में दो डिवाइड कर रहा है कॉक्साय, तो वो चेन्स बनाते रहेंगे, ठीक है। वो सेल्स डिवाइड होने के साथ एक साथ ही अटैच होते हैं, तो वो चेन बना लेंगे। इस तरह से वो जो है एक अरेंजमेंट, जो दो तरह की अरेंजमेंट हो गई, एक हो गई डिप्लोकोकस, दूसरी कौन सी हो गई, चेन्स में हो गई। इसी तरह से अगर कोई सेल है जो कि चारों प्लेन्स में या थ्री प्लेन्स में डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी डिवाइड हो गया, नीचे भी डिवाइड हो गया, साइड में भी डिवाइड हो गया, तो वो फिर क्या बनाएगा, पैकेट बना देगा या टेट्राड बना देगा, इस तरह से एक क्यूब बना देगा। तो उसे हम जो है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे पैकेट या टेट्राड कहेंगे। सेल डिवाइड इन टू और मोर प्लेन, ठीक है, ये दो प्लेन्स में, मतलब ऊपर ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, नीचे भी डिवाइड हो रहा है, साइड में भी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से करके ये टेट्राड बनाएगा या क्यूब बनाएगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, और कॉक्साय जो है किसी भी प्लेन में, मतलब रैंडमली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कब वो हर जगह से ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से वो डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या करता है ये ऑर्गेनिज्म जो है जब किसी भी प्लेन में डिवाइड हो रहा है, एक सिंगल प्लेन में डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि दो डिवाइड प्लेन्स में डिवाइड नहीं हो रहा, वो रैंडमली डिवाइड होता जा रहा है, तो ये सेल क्या करेगा, इस तरह से ग्रेप लाइक अपेयरेंस देगा। ये ग्रेप लाइक अपेयरेंस होगी इसकी, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको, आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, ये जो है चेन में डिवाइड हुए हैं सेल्स, तो ये चेन्स बना रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी अपेयरेंस है, ये क्लस्टर्स है, ठीक है, कुछ क्लस्टर्स हैं, कुछ आपको इसमें जो है डिप्लोकोक्साई भी दिख रहे हैं, ठीक है, दो सेल्स आपस में अटैच हैं, तो इसे हमें डिप्लोकोक्साई कहेंगे। ये सेल्स जो है बस रैंडमली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको ये जो है क्लस्टर्स बना रहे हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये बैसिलाई है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया एक ही प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो ये चेन्स बना रहा है, ठीक है। तो सेल्स आपस में अटैच रह जाते हैं, रॉड चेन्स, रॉड में भी चेन्स बनती हैं और कॉक्साई में भी चेन्स बनती हैं, इसी तरह से जो है कॉक्साई में क्लस्टर्स भी बनते हैं, ठीक है जी। ये तो कुछ शेप्स और उसकी जो है अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो आते हैं वो ज्यादातर बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट बाउंड्री या फर्स्ट लेयर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसकी सेल स्ट्रक्चर में सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो उसको एक खास शेप दे रही है, ठीक है। सेल बाउंड्री जिसे हम कह रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज टिपिकली अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अ लिपिड बायलेयर एम्बेडेड विद द प्रोटीन, ठीक है। होता है क्या है कि ये जो है ये जो लेयर है लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स
दो तरह से अरेंज होते हैं, ऊपर भी और नीचे, मतलब दो लेयर्स में डिवाइड, दो लेयर्स बना रहे होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसके आगे बात पूछ भी होगी, ठीक है। इस तरह से ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक लेयर बन रही है, ये दूसरी लेयर बन रही है, ठीक है। और बीच बीच में जो है, इनके बीच बीच में कहीं कहीं जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक पूरी पिक्चर है आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, जिसमें ये आपको स्मॉल गोल गोल जो नजर आ रहे हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये अरेंज हैं, ठीक है। इसी तरह से एक लेयर बना रहे हैं, फिर नीचे की भी लेयर इस तरह से डबल लेयर बन रही है, और बीच में आपको ये कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये बीच में प्रोटीन नजर आ रहा है, ये प्रोटीन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी बीच बीच में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज जो है लिपिड लेयर्स, डबल लेयर्स बनी हुई होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड बाय लेयर से बनी हुई है, और बीच बीच में कहीं कहीं जो है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आपको ना, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाय लेयर कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये जो बाय लिपिड, जो लिपिड लेयर बनी हुई है, इस लेयर के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। दो कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वन एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज आर टू फैटी एसिड चेन दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। इसके मैंने जैसे इस पिक्चर में दिखाया, अब ये जो आपकी, फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक फॉस्फोलिपिड की पहली लेयर है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक लेयर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, इसे हम कह रहे हैं टेल। यहाँ पर भी अगर ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो ये जो लाइंस है इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक टेल, और जबकि ये जो इसका सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड। इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, और जो इसकी ये टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। वन एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड हैज अ टू फैटी एसिड चेन, ठीक है। ये दो जो है चेन है, जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक टेल। अदर एंड कंटेन द ग्लिसरॉल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बेसिकली ग्लूकोस मॉलिक्यूल से बना होता है, क्योंकि ग्लूकोस वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हाइड्रो फिलिक कहेंगे इसको। और ये जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड से बनी हुई है, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक टेल फेस इनवर्ड, हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, वाइल द हाइड्रोफिलिक हेड विल फेस आउटवर्ड, ठीक है। तो अब आपको इस पिक्चर से जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से जो है अरेंजमेंट होती है, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, बीच बीच में जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जिसमें ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक या वाटर सोलिबल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, जबकि ये जो टेल आपको नजर आ रही है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए क्योंकि ये दो फैटी एसिड लेयर्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड के चेन्स बनी हुई है, इस तरह करके ये सब अरेंज होता है, ठीक है। क्लियर है सेल बाउंड्री या सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज द इनर लेयर ऑफ द माइक्रोबियल सेल, ठीक है। फिर आ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के कुछ हम क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कितनी परमिएबल होती है, किन किन मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है टू मूव इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल, बैक्टीरियल सेल के कुछ अंदर होते हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल्स परमिएबल होंगे, किन किन मॉलिक्यूल्स को ये सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ करेगी टू मूव इनवर्ड, और कुछ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनको वो आउटवर्ड जो है अलाउ करती है। तो इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है ये अलाउ करती है कि वो पास कर जाए इनवर्ड और आउटवर्ड ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन भी, सिंपल डिफ्यूजन होता है, दूसरा जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं
जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर्स से बनी हुई। कौन सी दो लेयर्स हैं? फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं, एक ऊपर अपवर्ड होगी और दूसरी लेयर जो है डाउनवर्ड होगी। बीच बीच में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है कि कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जिनको सेल के अंदर जाना होता है या सेल से बाहर उनको भेजना होता है, तो वो क्या करते हैं, फिर इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सहारा लेते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स इनवर्ड और आउटवर्ड ऑफ द सेल मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है वो सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन को, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है अलाउ करती है टू मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स द हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी जो है सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसमें एक तो नंबर वन सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, दूसरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, यानी अगर लार्जर मॉलिक्यूल उसने सेल को जरूरत है या सेल से बाहर निकालने हैं तो फिर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर पे बात आ जाती है, तो नेक्स्ट जो लेयर है वो कहलाती है सेल वॉल। ठीक है, तो पहली लेयर हमारी जो थी वो थी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अदर जो सेकेंड लेयर आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज टू होल्ड द सेल टुगेदर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रस्टिंग। ठीक है, सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या है? एक तो ये कि सेल को टाइटली जो है होल्ड करके रखे, सेल के कंपोनेंट्स जो हैं सारे बाहर ना जा सके। ठीक है, दूसरा ये कि जो सेल, अगर सेल ने जो है बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है या और कोई कंडीशन है कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो सेल वॉल जो है उसको ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करती है, ब्रस्ट नहीं होने देती। ठीक है, टू मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल की बेस पर ही हमने बैक्टीरिया को डिवाइड कर लिया है इनटू टू ग्रुप्स। दो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्रुप और दूसरा ग्रुप है ग्राम नेगेटिव। सारे ही बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सभी बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया को हमने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो हम इससे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि ये फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी हुई है, फिर बीच में कहीं कहीं इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत हद तक जो है डिफरेंट होती है। तो वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रिजेम्बल कर रही होती है वो सब ग्राम पॉजिटिव में आ जाते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया जिनको जिनकी सेल वॉल बिल्कुल ग्राम नेगेटिव में रिजेम्बल कर रही होती है वो सारे बैक्टीरिया फिर इस ग्रुप में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की सेल वॉल में क्या फर्क है? सबसे पहला तो इनका जो कॉम्पोनेंट, जैसे सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का कॉम्पोनेंट क्या बताया मैंने, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल में वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, सेल वॉल का जो बैक्टीरियल सेल में मेन कंपोनेंट हर बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये हर बैक्टीरियल सेल में लाजमी प्रेजेंट होता है ये लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, लाजमी पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। और वो बैक्टीरिया नहीं है, अगर बैक्टीरिया नहीं है तो उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा कोई और लेयर्स होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हमेशा सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज द रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू पेप्टाइडोग्लाइकन। हमने कहा कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये हार्ड स्ट्रक्चर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इट हैज टू सब यूनिट्स। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन के दो सब यूनिट्स हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है किस चीज से बनी हुई है? दो छोटे मेन कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, उनसे बनी हुई है। एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है,
एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया हुआ है, NAM, जिसे नैम कहा जा रहा है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। नंबर वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि आपको ब्लू में नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है जिसे हम नैक कहते हैं, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हर बैक्टीरियल सेल वॉल में लाजमी प्रेजेंट होगी। और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किन दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज नैम एंड नैग। नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलकर चेन बनाते हैं, जिसे हम ग्लाइकन चेन कहेंगे या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन चेन कहेंगे। ये चेन फिर बनती जाती है। फिर यहाँ थोड़ा सा एक उसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि नैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो किस चीज से बनी है। ये इन दो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। फिर हम कह रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव से डिफरेंट होती है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है ये भी दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंट होगी। ठीक है, लाइक अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगी वो थिक लेयर होगी। ठीक है, थिक, काफी थिक लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की। लाइक हम ये कह सकते हैं कि टोटल बैक्टीरियल बैक्टीरियल का बैक्टीरिया का जो उसका पूरा बैक्टीरियल सेल है उसका 40-80% ड्राई वेट जो है सेल वॉल उसमें जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होगी वो 40-80% पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव सेल है, ये उसकी जो है आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद जो है सेल वॉल होगी और ये सेल वॉल जो है थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बनी हुई है, तो इस वजह से इसको थिक में शो किया गया। जबकि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है वो थिन, उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगी वो हमेशा थिन लेयर में होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज अ सैंडविच बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। एक फर्क ये भी होता है सेल बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, ये के जो है दोनों पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है लेकिन इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगी। दूसरी इसमें क्या होगा कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइडोग्लाइकन थिन लेयर होगी और उसके बाद उसके साथ ही जो है आउटर मेम्ब्रेन भी होगी। तो ये आप इस पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ये ग्राम नेगेटिव सेल है, इसमें यहाँ पर जो है एक ग्राम नेगेटिव सेल की सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिखाई गई है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ ये आप ब्लू में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर देख सकते हैं। इस ये लेयर आप देख सकते हैं कितनी थिन है और ये वाली लेयर कितनी थिक है। ये ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होगी जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है ये लेयर जो होगी वो थिन होगी। ठीक है, और अगेन इसके इस लेयर के बाद जो है एक और मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में, जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद जो आउटर इसकी मेम्ब्रेन होगी वो कहलाएगी पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें क्या होगा सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और उसके बाद जो है आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। अब हम इसको फर्दर स्टडी और करेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, फिलहाल तक के लिए आपने ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फर्क क्या है, कि इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में थिक होगी, ग्राम नेगेटिव में थिन होगी, और ग्राम नेगेटिव में ये भी होता है कि वहां पर ग्राम आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी जबकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगी। ये आपको जो है यहाँ एक ग्राम पॉजिटिव की पूरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से ये लेयर अरेंज होगी। ये फर्स्ट जो लेयर आपको नजर आ रही है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, बीच में कहीं कहीं कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हैं
और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के फौरन बाद जो है यहाँ पर ये आपको थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन नजर आ रही है, जिसमें ब्लू में आपको नैम नजर आ रहा होगा, नैग आपको पर्पल में नजर आ रहा होगा। इस तरह से ये अरेंज होंगे और इस तरह से एक ये थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बना रहे हैं। अब यहाँ ग्राम नेगेटिव को थोड़ा सा और स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यहाँ ये आपको जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसमें बीच बीच में कहीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ आपको सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन नजर आ रही है, ये लेयर नजर आ रही है जिसमें ब्लू और पर्पल रिंग्स लगे हुए नैम और नैग के पेप्टाइडोग्लाइकन के, ठीक है। और इसके फौरन बाद जो है ये एक आपको आउटर मेम्ब्रेन भी नजर आ रही है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टडी करेंगे। ये डिफरेंसेस हैं, ये हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। अच्छा जी, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आपको जैसे दिखा, एक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, उसके बाद जो है उसके फौरन बाद जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा गैप होता है, स्पेस होती है, जिसे हम पेरिप्लाज्मिक लेयर कहते हैं या पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। इट इज अ जेल लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो उसकी जो भी ग्राम पॉजिटिव की आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगी वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगी, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें हमने तीन लेयर पढ़ी कि आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर भी होगी और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होगी। तो इन तीनों लेयर्स के बीच में जो गैप आ रहा होगा, जो स्पेस होगी, वो कहलाएगी पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। वो एक जस्ट जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें जस्ट कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वहां जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में या पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसे हम पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स कहेंगे, ठीक है। फिर कुछ बात कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, आउटर मेम्ब्रेन किस में होती है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन पर होती है, तो वहां वो आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, और उसे हम LPS लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं LPS लेयर, ठीक है। अब इस लेयर में क्या होता है, इट सर्व एज अ बैरियर फॉर द पैसेज ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ, अगेन ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है कि ये आउटर मेम्ब्रेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देती है कि वो सेल के अंदर ना जा सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो काम इसलिए नहीं कर रही होती है क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती एंटीबायोटिक को कि वो सेल के अंदर एंटर हो। जब तक एंटीबायोटिक सेल के अंदर एंटर नहीं होगी वो अपनी काम नहीं कर सकेगी। तो क्या होता है कि सेल बैक्टीरिया क्या करता है, अपने इर्द गिर्द जो है ये आउटर मेम्ब्रेन उसकी होती है तो वो बहुत रेसिस्टेंट हो जाता है। पर ये थोड़ी सी हायर लेवल की बात है, लेकिन फिलहाल आपने जो याद रखना है वो ये रखना है याद के आउटर मेम्ब्रेन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव सिलेक्टिव और मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है टू एंटर इनसाइड द सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इट आल्सो एक्सक्लूड मेनी ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड्स, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड जो बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर होकर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल को किल कर सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को भी स्टॉप कर देती है सेल के अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है। ये तो ग्राम नेगेटिव की बात हो गई कि ग्राम नेगेटिव में जो है आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव में एक लेयर साथ में ही पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ एक और लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड टिकोइक एसिड लेयर।
ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही प्रेजेंट होगी, ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट नहीं होगी. प्रोमिनेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज द टिकोइक एसिड. अब ये जो टिकोइक एसिड लेयर होगी, ये अगर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के साथ अटैच होगी तो इसे टिकोइक एसिड कहेंगे, लेकिन अगर ये लेयर जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी तो इसे हम कहेंगे लिपोटिकोइक एसिड. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको आपको दिखाते हैं. ये आपका ग्राम पॉजिटिव सेल है, ये आपकी जो है येलो में आपको नजर आ रहा है, ये इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई. ब्राउन में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हो गई, थिक लेयर. मैंने बताया था ना कि पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होगी. साथ साथ ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं टिकोइक एसिड के, ये येलो सॉरी रेड में जो ये नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये इसके टिकोइक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये लेयर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे टिकोइक एसिड. ये भी टिकोइक एसिड है, ये भी टिकोइक एसिड है. लेकिन अगर ये लेयर जो है एक्सटेंड होकर ये सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रही है तो इसे हम कहेंगे लिपोटिकोइक एसिड. ठीक है, तो इस टॉपिक को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं.